स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, अब आप नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अफेलो ट्रेवलर का। इट वाज ऑल इन वेन, सब बेकार गया। ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंटेसली। ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंटेसली। वह मुझसे खेल रहा था खुले और दिखावे के लिए। ऑस्टेंशनली माने होता है दिखावे के लिए, फॉर शो, कोई चीज़ जो दिखावे के लिए हो। लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर फेंसिंग राउंड एन इन्फ्यूरेटेड बल। बुल सांड, इन्फ्यूरेटेड माने होता है क्रोधित, जिसको बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर दिया गया हो, गुस्साया गया हो। स्किलफुल मेटाडोर, स्किलफुल मेटाडोर माने होता है कुशल, सांड से युद्ध करने वाला, सांड से लड़ाई में। फाइनिशिंग राउंड, फाइनिशिंग माने होता है किसी भी कलात्मक ढंग से युद्ध करना। तो जैसे कोई योद्धा, कुशल योद्धा गुस्साए हुए बैल के साथ कलात्मक परिस्थितियों का सामना कलात्मक ढंग से करता है, उसी तरह वह मेरे साथ खेल रहा था। इट वाज ऑब्वियस, यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि ही वाज इंजॉइंग हिमसेल्फ, वह आनंद ले रहा था। दैट इट वाज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माय रिपोज, यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि वह आनंद ले रहा था और उसने इसलिए मेरे आराम में बाधा डाली थी। एंड व्हाट स्पोर्ट, और कैसा, ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा सा खेलना चाहता था। और कैसा स्पोर्ट, लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंड मिल ऑफ ए क्रीचर। और कैसा खेल चाहिए था कि एक पवन चक्की जैसे भारी भरकम प्राणी के द्वारा, जिसका कि इतना अच्छा स्वाद है था और जो इतना असहाय और बेवकूफ़ था, उसके द्वारा पीछा किए जाने से अच्छा और दूसरा कौन सा खिलवाड़ हो सकता था उसके लिए। सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड। आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पीड ऑफ द फ्लो। धीरे धीरे मैंने उस मच्छर या अपने साथी को समझने का प्रयास करना शुरू किया, उसकी आत्मा में मैं प्रवेश करने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर मेयर इंसेक्ट, अब वह केवल एक कीड़ा नहीं बचा था। ही वॉज डेवलपिंग इन टू अ पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व निखर रहा था, विकसित हो रहा था। एंड इंटेलिजेंस, और उसकी बुद्धिमानी। दैट चैलेंज द पोजिशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स, जो कि इस कंपार्टमेंट की सभी वस्तुओं को मेरे साथ साथ चैलेंज कर रही थी। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, मैंने महसूस किया कि जो मेरा हृदय था वह उसके लिए मित्रता की भावना प्रकट कर रहा था, थोड़ा सा प्रेम पूर्वक या उदारता प्रकट कर रहा था। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और सर्वोत्तमता की जो भावना थी वो धीरे धीरे गायब हो रही थी। How could I feel superior to a creature? मैं एक ऐसे प्राणी के प्रति कैसे अपने आप को superior महसूस कर सकता था? Who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged? मैं कैसे उसको प्राणी से स्वयं को श्रेष्ठ कैसे महसूस कर सकता था, जो मात्र एक प्रतियोगिता में जिसमें हम उलझ चुके थे मेरा स्वामी बन गया था। Why not be magnanimous again? क्यों ना फिर से मैं उदारवादी बन जाऊँ। Magnanimity and mercy were the noblest attributes of man. उदारता और दया तो मनुष्य का सर्वोत्तम गुण होता है। In the exercise of these high qualities, इन उच्च गुणों के अभ्यास के साथ, I could recover my prestige. मैं अपने सम्मान को बचा सकता था या पुनः प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आई वॉज ए रिडिकुलस फिगर,
उस समय में जब मैं उसके साथ उस द्वंद्व युद्ध में था, मैं उसके बारे में सोच रहा था, तो उस समय मैं एक बहुत ही एब्सर्ड फिगर, बहुत बेहुदा व्यक्ति बन चुका था, रिडिकुलस फिगर हो गया था। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड रीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि हंसी और उपहास का पात्र बन गया था। बाई बींग मर्सीफुल, दया की भावना अपने अंदर लाकर या दयालु बनकर, मैं मनुष्य के नैतिक सम्मान का फिर से दावा कर सकता था। आई कुड री असर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और अपने स्थान पर सम्मानपूर्वक जा सकता था। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मृत्यु की सज़ा को वापस ले लिया। मैंने कहा अपनी सीट पर वापस आते हुए, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। आई डू इट, और मैं ऐसा करता हूँ। आई टूक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, मैंने अपना पेपर उठाया, वह आया और उस पर बैठ गया। मूर्ख साथी, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इंटू माई हैंड्स, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। मुझे केवल सम्मानीय साप्ताहिक संपत्तियों वाले अखबार के दोनों पन्नों को जोर से भींच देना है और तुम एक लाश बन जाओगे। दोनों पन्नों के जो नाम थे वो दिए गए हैं, एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रायल्स एंड अनादर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस। पीस ट्रैप्स और द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस, इन दो लेखों के मध्य खिंच जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीड यू, मैंने तुम्हें क्षमा किया है। आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लिज लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट, मैं तुम्हें यह से संतुष्ट करूँगा कि जब यह कोई बड़ा प्राणी कुछ कहता है तो उसका ज़रूर कोई मतलब होता है, वो अपनी बात रखता है। इससे कहीं अधिक, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें मारूं। थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानकर मैंने ऐसा महसूस किया है, सैल आई से, कि मैं कहूँगा अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, मेरे प्रति मेरे लिए मेरे अंदर तुम्हारे लिए एक प्रकार का लगाव हो गया है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, जैसे मेरे मन में तुम्हारे लिए स्नेह हो, मैं कल्पना करता हूँ कि संत फ्रांसिस ने तुम्हें अपना छोटा भाई कहकर अवश्य पुकारा होगा। आई कैन नॉट गो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, ईसाइयों की दान और सभ्यता में मैं इतनी दूर तक तो नहीं जा सकता, किंतु एक अधिक दूर का रिश्ता महसूस करता हूँ। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर्स, भाग्य ने हमको सहयात्री बनाया है इस गर्मी की रात में। आई इंटरेस्ट हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हें आनंदित किया है, तुमने मुझे आनंदित किया है। ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल, जो हम दोनों के मध्य मनोरंजन हुआ उनमें दोनों का एहसान बराबर है। ऑब्लिगेशन जो एहसान हुआ एक दूसरे का, वो दोनों का बराबर है। और इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह इस आधारभूत तथ्य पर टिका हुआ है कि वी आर फेलो मॉर्टल्स, हम नश्वर साथी हैं, हम मरणशील साथी हैं। जीवन का आश्चर्य और इसके रहस्य भी हम दोनों के मध्य एक से हैं। आई सपोज यू डोंट नो एनी थिंग अबाउट योर जर्नी, मैं मानता हूँ कि तुम्हें अपनी यात्रा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मैं अपने बारे में भी आश्वस्त नहीं हूँ कि मुझे अपनी यात्रा के बारे में ज़्यादा जानकारी है। वी आर रियली व्हेन यू कम बैक टू थिंक ऑफ इट अ गुड डील अलाइक जस्ट अ पर्सन्स दैट आर एंड देन आर नॉट कमिंग आउट ऑफ द नाइट इन टू द लाइटेड कैरेज, फ्लेटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल एंड गोइंग आउट इन टू द नाइट अगेन परहैप्स। हम लोग वास्तव में, मुझे भी पूरा विश्वास नहीं है कि मैं अपनी यात्रा के बारे में अधिक जानकारी रखता हूँ। हम लोग वास्तव में अगर तुम ऐसा सोचने लगोगे तो बहुत हद तक एक से हैं, केवल छाया मात्र हैं, अभी हैं फिर नहीं हैं। हम लोग
रात्रि में से निकलकर प्रकाशित रेल के डिब्बे में आते हैं, कुछ देर तक रोशनी के चारों ओर फड़फड़ाते हैं और फिर रात्रि के अंदर चले जाते हैं। यही हमारा जीवन होता है। उस लेखक ने थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी लाने का प्रयास किया, जो कि उसने अपने फेलो ट्रेवलर के साथ बातें की। वहीं पर उसका उसके साथ जो कन्वर्सेशन समाप्त हो जाता है। फिर उसका स्टेशन आता है, तब की जो सीन है, गोइंग ऑन टू नाइट सर, क्या आप आज रात को कहीं और जा रहे हैं श्रीमान, सेड अ वॉइस एट द विंडो, खिड़की पर से किसी ने कहा। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, यह एक मित्रवत कुली था, परिचित कुली था, गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन, मुझे इशारा दे रहा था कि यह मेरा स्टेशन था। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैं ऊँग गया था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, अपनी हैट और स्टिक को पकड़ते हुए, आई वेंट आउट इन टू द कोल्ड समर नाइट, मैं उस गर्मी की ठंड रात में बाहर आया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे ही मैंने अपने डिब्बे के दरवाजे को बंद किया, आई सा, मैंने देखा, माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, मेरा जो सहयात्री था लैम्प के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। इस तरह आप देख सकते हैं कि लेखक ने एक छोटे से इंसेक्ट को अपना सहयात्री बनाया और उसके साथ जो कन्वर्सेशन और जो उसने अपना टाइम स्पेंड किया उसको अपने ऐसे में स्थान दिया। सो वी मस्ट हैव सम सेंस अबाउट अदर क्रीचर्स आल्सो, दिस इज अवर ड्यूटी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक सेम जस्ट एज वी वांट टू थिंक फॉर अस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।